हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं इस समय प्रयागराज में और इस समय जो टाइम है 10:30 हो रहे हैं और भाई हम लोग जा रहे हैं अल्लाहपुर में ही हैं इस समय और हम लोग जा रहे हैं शिवाजी पार्क में, क्योंकि वहाँ पर कपिल मुनि मंदिर के थीम पर वहाँ पर पंडाल बनाया गया है। और कपिल मुनि का जो मंदिर है वो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो चले चलते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और आप लोग को दिखाते हैं शिवाजी पार्क में जो पंडाल बना है कपिल मुनि मंदिर के थीम पे। और भाई आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया भाई यहाँ पर सजाया गया, भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जबलपुर में था तो इतना भीड़ नहीं थी, आप देख सकते हैं इसमें जो टाइम है 10:30 रहे हैं भाई और भीड़ आप लोग देख सकते हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऊँट पे बैठ कर लोग जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पूरा देखिए भैया यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति की झांकी निकाली गई। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए भैया रावण की झांकी निकाली गई है, हाथी पे बैठा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पास से। और देख रहे भाई भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लोग मोबाइल चुरा लेते हैं पॉकेट से। रामलीला कमेटी भाई देखिए यहाँ पर झूला है छोटे बच्चों के लिए, ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। आप सभी के बीच में शिवाजी पार्क में जहाँ पर कपिल मुनि मंदिर के थीम पर पंडाल बनाया गया है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज जानते हैं आप लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं मेले में भाई, सभी लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ रात्रि के निकलते हैं ज्यादातर। और देख सकते हैं आप लोग भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले का। और भाई देख सकते हैं आप लोग रात को यहाँ पर दुकान भी लगी है, लोग भाई अपना लोग सामान भी खरीद रहे हैं खाने पीने के लिए। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं शिवाजी पार्क की तरफ में और भीड़ देख सकते हैं आप लोग इधर थोड़ा लाइट की कमी है इस साइड में। यहाँ पर ले खरीद कर भाई वो जो बजाने वाला आता है बहुत सारे लोग खरीदे और बजा रहे हैं, आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे। और भाई यहाँ पर गेट बना हुआ है, देखिए चिल्ड्रेन स्कूल लिखा हुआ है, रामानंद नगर BHS दुर्गा पूजा कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो यह एड्रेस है अल्लाहपुर में ही है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर है।
फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं शिवाजी पार्क में। यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं कपिल मुनि मंदिर के थीम पर यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप लोग। और मैंने आप लोग को बताया था कपिल मुनि का जो मंदिर है वह भाई पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पर स्थित है। उसी के थीम पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और इस साइड में आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोग को अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा। इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, जो मिस्त्री यहाँ पर कार्य कर रहे थे वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सोए हुए हैं। ये बच्चों खेलने के लिए इस साइड में बनाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अपना फोटो भी ले रहे हैं लोग। ये देख सकते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया सजाया गया भाई। भाई आप लोग अंदर का व्यू देख सकते हैं, सामने है माता जी का मूर्ति। अभी चेहरा ढका गया है, कल भाई हटाया जाएगा। यहाँ अंकल जी थे, यहाँ पर जो अंकल जी थे उनसे बात हुई तो बताया भैया कि आरती का जो टाइम है 8 बजे होगी। ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप लोग, ऊपर का झूमर भी लगाया गया भाई और लाइट भी काफ़ी यहाँ पर लगाई गई भाई, जिससे देखने में और भी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग पूरा व्यू। चलिए चलते हैं हम बाहर। भाई जागीर निकाली गई, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। भाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर झांकियाँ निकाली जा रही है और भीड़ देख सकते हैं आप लोग रोड के अगल बगल में। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। भाई हम लोग आ गए हैं लोहा पार्क में। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर श्री भारद्वाजपुरम दुर्गा पूजा समिति लोहा पार्क अल्लाहपुर प्रयागराज, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर भी पंडाल बनाया गया है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पार्क है, तो यहाँ पर भाई बैठने की भी व्यवस्था है, बढ़िया से स्पेस है काफ़ी। यहीं पर बनाया गया है दुर्गा पंडाल। और भाई आप लोग सामने से व्यू देख सकते हैं, ये पंडाल है। चलिए मैं आप लोग को पास से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी जो माता जी का मूर्ति है उसका चेहरा यहाँ पर भी ढका गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। कल शायद चेहरे को जो ढका गया हटाया जाए, ये देख सकते हैं आप लोग पूरा यहाँ का भी व्यू। अब इस टाइम भाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 12 बजने वाले भाई, तो हम लोग चलेंगे घर की तरफ भी। ये देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स ये था पूरा व्यू। आई होप कि आप सभी लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आप लोग को शिवाजी पार्क में जो कपिल मुनि मंदिर के थीम पे जो बना था पंडाल वो भी दिखाया, और लोहा पार्क में भी जो पंडाल बना था मैंने आप लोग को वो भी दिखाया, और यहाँ पर अल्लाहपुर में मेला भी लगा था। मैंने आप लोग को पूरा अल्लाहपुर में मेला और पंडाल दिखाने की पूरी तरह से कोशिश किया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी भाई, और यहाँ पर लोग मोबाइल भी कई सारे लोग की भीड़ की वजह से चोरी हो गई। तो भाई रात को व्यू दिखाने में दिक्कत है, जहाँ पर भीड़ है अगर मोबाइल चोरी हो गया भाई तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिन में पंडाल का पूरा दर्शन करा दूँ माता जी का, और पूरा मैं कोशिश करूँगा यहाँ का व्यू दिखाने के लिए। तो बस अब हम लोग रूम पर आ चुके हैं, इस ब्लॉग के यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए प्लेस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय माता दी।